2019 का चुनाव सभी पार्टी के लिए करो और मरो जैसा है, जिसके चलते बड़े बड़े नेताओं ने अभी से अपनी चुनावी सरगर्मियां, चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी सभा का आयोजन किया। अमित शाह ने बुलंदशहर सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला कार्यालय का बुलंदशहर में बैठे बैठे उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में सरकार के बजट बनवाए हैं। इसी दौरान एक अजीब घटना भी सामने आई। चुनावी सभा में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला जोर जोर से रोने लगी। महिला पुकार रही थी, मुझे बचाओ, गुंडे मार देंगे, गांव के ही लोगों ने मेरा बलात्कार किया है और उसके बाद जमीन तक हड़प ली है। आपको बता दें कि ये महिला चिल्लाती रही और उसका ये वीडियो कैमरे में भी कैद हो गया। महिला की सारी तस्वीर और वीडियो कैमरे में आ गई। उस फरियादी महिला ने बताया है कि 4 महीने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि इस सभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। उनसे कई सवालों के जवाब मांगे गए और जनता से कहा गया कि अगर बीजेपी आएगी तभी देश का विकास होगा। इसके अलावा गठबंधन पर भी कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि जनता गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी, भुआ भतीजा, चाचा भतीजा सब कुनबे में सिमट कर रह जाएंगे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ही फिर से आएंगे सरकार में। इस खास मौके पर बुलंदशहर के 7 विधानसभा क्षेत्र के विधायक, सांसद भोला सिंह और पार्टी जिला अध्यक्ष हिमांशु मित्तल, जिला मीडिया प्रभारी शरद त्रिवेदी, सना हैदर, तमकीन चौहान, गौतम बुद्ध नगर सांसद, कैबिनेट मंत्री महेश कुमार भी मौजूद रहे। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं इतनी बड़ी बुलंदशहर की जनता को पूछना चाहता हूं, जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से हटी, आप सबको कांग्रेस अध्यक्ष का नाम मालूम था या नहीं था? बताओगे? राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे सबको मालूम था या नहीं था? जोर से बोलो, था या नहीं था? ये हजारों लोगों की भीड़ में से कोई बता सकता है मेरे बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र, और इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से आज देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। राहुल बाबा भी पूछते थे कि मोदी जी ने क्या किया। अरे राहुल बाबा, हमारा हिसाब मांगते हो? 4 साल का हिसाब मांगते हो? आपका परिवार 4 पीढ़ी से शासन कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपने क्या किया? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने
देश के करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने 8 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। गरीबों के घर में भेज कर सिलेंडर नहीं था, चूल्हा नहीं था, आज 6 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित पार्टी है और यही कारण है जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंची। बिना भेदभाव समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न केवल सुरक्षा और न्याय पहुंचा भी तो भारत का मान दुनिया के अंदर रहा है और यही कार्य आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अमित शाह जी ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मूल्य और आदर्शों के साथ जोड़ने, मूल्य और आदर्शों की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय देने जन सुनवाई के साथ साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी और भारत के इतिहास के बारे में प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक कार्यकर्ता को अवगत कराया जा सके, जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सर, भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ाया। माननीय अमित शाह जी ने बताया कि आज लगभग देश के अंदर 135 योजनाएँ माननीय प्रधानमंत्री दी जी हैं और आज बुलंदशहर में जो कार्यक्रम किया है ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया, बल्कि योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने और अमित शाह जी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है और विपक्ष को जो है गठबंधन जो बताया गया है वो कहा ये गठबंधन बेबुनियाद है, इससे बुलंदशहर की जनता नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर जब बुलंदशहर के अंदर अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने के लिए मिला है, जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और लोगों के अंदर एक जोश भर गया है। इस बुलंदशहर की सरजमी पर आने के बाद बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ा दिया गया है। बुलंदशहर से कैमरामैन मोहित लोधी के साथ वसीम सिद्दीकी, द न्यूज़ इंडिया।